रात में सोने के लिए जगह ढूंढने के लिए ना बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। यहाँ पर दो पेट्रोल पंप थे, उनसे उम्मीद थी, उन्होंने जगह नहीं दे रही यार रात में। पता नहीं क्यों डर रहे होंगे शायद। तो गाइस हम पहुंच चुके उदयपुर में और मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने पोपट हो गया, टाइम लैप्स चेंज नहीं कर पाया क्योंकि सेटिंग करके मैंने टाइम लैप्स वीडियो बना रहा था, वहाँ पर चेंज नहीं कर पाया। तो फास्ट में अंदर भी आ गए। यहाँ पर वो उदयपुर में रुके हैं और ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा देर तक रुक गए हम, वहीं पर समय लगा और वहाँ से उदयपुर तकरीबन 13 किलोमीटर था, सिर्फ 13 मिनट में पहुँच गए। और फिलहाल भैया और मैं दोनों खाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल देखेंगे, यहाँ पर राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है ना, दाल बाटी चूरमा ही बोलते हैं ना भाई। तो चलिए खाते हैं और देखिए, पूरा घर की तरह ही है, पूरा होटल पूरा घर की तरह सिस्टम है, पूरा जो भी आप लेना चाहते हो सब कुछ। तो भाई दाल बाटी चूरमा आ चुका है, पहली बार खा रहा हूँ, ट्राई भी कर रहा हूँ, देखेंगे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा किस तरीके का लगता है। ये खाली प्लेट ले आओ ना। तो भाई थोड़ा सा फ्रेश हो गया, मुंह भी धो लिया और खाना भी खा लिया है, बहुत हैवी था यार, बस तीन ही बाटी ना मेरी हालत बिगड़ दी, इतना टाइट हो गया मैं। जो चूरा था वो तो खा बचा नहीं सकते ना, इसलिए कुछ ना कुछ करके खा लिया, लेकिन बहुत टाइट फील हुआ है वो, लेकिन टेस्टी था यार बहुत, पहली बार खाया था। और जैसे कि हमने गुजरात में भी जलेबी फाफड़ा खाया था, उतना कुछ खास नहीं लगा था, और राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा एक नंबर था। चलिए गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं, हमारी सफारी निकलेंगी अभी अजमेर की तरफ। भैया कहाँ गए? मैंने सोचा कि आप आ गए हो इसलिए आ गया। अच्छा जी, तो गाइस मुझे ये बताना, भैया को देखिए ध्यान से और देख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये देखने से ड्राइवर लगते हैं क्या। मुझे तो बहुत बड़े ऐसा लगता है कि बहुत एजुकेटेड है और बाद में ये लोग ये अपने ट्रक की बिजनेस खोल रखा है ऐसा लगता है मुझे, लेकिन वो सच्ची में यार। आप कितने पढ़े किए भैया? 9th क्लास। देखिए यार देखने से लगता है कोई बहुत बड़ा ग्रेजुएट है ऐसा, मैं भी पहले ऐसा ही समझा था, बाद में वो ऐसे बातें करते 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 जब आप वहाँ रहते हैं तब थोड़ा थोड़ा पता चलते ही आता है, लेकिन किसी को नहीं भरोसा होगा कि ये 9th क्लास है ड्राइवर है करके। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको क्या लगते हैं, हालांकि मैंने बता दिया है लेकिन आपको क्या लगता है, आपके मन के बात क्या हो जाना है आप उनको। भाई ये जो बन रहा है ना, इसी ब्रिज की वजह से हमें एक घंटा डेढ़ घंटा टाइम हो गया, अभी तक बाहर नहीं निकले, ये देखो और ये अभी तक दूर तक ट्रैफिक है, बहुत बोर हो गए भैया। तो हम पहुंच चुके हैं अजमेर के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, यानी कि अजमेर यहाँ से कम 150 किलोमीटर है। और भैया यहाँ से जाएंगे और समय ज़्यादा होने के कारण 8:30 बजने आ चुके, तो भैया को यहाँ से मैं जयपुर की तरफ भेज दूँगा और कल सुबह मैं अजमेर की तरफ दूसरी लिफ्ट वगैरह ले लूँगा, क्योंकि अगर मैं रात में अजमेर पहुँचूँगा वहाँ पर स्टे करने के लिए सिटी में वैसा जगह नहीं मिल पाएगी, तो उस सोच के कारण मैं 150 किलोमीटर पीछे रह रहा हूँ। यहाँ पर एक ये पेट्रोल पंप है और वहाँ पर एक होटल है, भैया जी बहुत बता रहे थे कि वहाँ पर होटल पे रुक सकते हो, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम दोनों एक साथ अभी खाना बनाकर खाने वाले हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर पानी भर रहा हूँ और भैया जी वहाँ पर डीजल डाल रहे हैं, देखिए उनकी टंकी फुल करवा रहे हैं, और वहाँ पर एक होटल है वहाँ पर जाके बनाएंगे, और मैं उसी होटल के पास रहने की कोशिश करूँगा कि जगह वगैरह देख के, वरना इस पेट्रोल पंप के पास भी हम आके रह सकते हैं, देखेंगे क्या होता, लेकिन एक कैन एक पहले भर जाए, पता नहीं हम क्या बनाकर खाएंगे, लेकिन मज़ेदार कुछ बना के खाएंगे। दोपहर की दाल बाटी खाई थी ना, अभी तो पेट में से भूख नहीं लगी मुझे, इतनी अच्छी लगी थी भी और इतनी पेट भर के खाई थी भी मैंने, सिर्फ 3 ही खाया था, पेट फुल हो गया था, वो 4 देते लेकिन एक बचा दिया था हमने। ये देखिए थोड़ी देर में खाना बनाएंगे हम और सब्जी ले रहे हैं सब लोग, हम जो चाहे ले लो, अब तक सब्जी मिल रही है यार, टाइम हो रहा है
अच्छी बात है कि मिल गई हमें, बहुत देर से ढूंढ रहे थे। ये लीजिए सब्जी पैक हो गई हमारी और गाड़ी चालू है वहीं पर। ये देखिए भैया अंदर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं भी चढ़ता हूँ ऊपर। गुलजा सिम सिम भाई, रात इतनी हो चुकी है ना, हमें सब्जी वगैरह परचेज करने के लिए है ना ऐसा ऐसा ढूंढना पड़ रहा है शॉप। अभी 9 बजे एक मिल गया है, सब्जी वगैरह मिल गई है। अभी एक किराने शॉप की जरूरत है जो थोड़ा सा आटा चावल वगैरह ले ले। तो दोस्तों जैसे कि भैया गाड़ी चला रहे थे तो मैंने सारे प्याज टमाटर मिर्ची और एक कुछ लहसुन वगैरह काट लिए, क्योंकि दाल वगैरह कुछ दाल बना ढोकला और बाटी ना भैया। हाँ भैया जी आज कुछ राजस्थानी ढोकला बाटी चलाना चाहते तो खाएंगे भी और भी ट्रक में बना के खाएंगे। चलिए भैया अपने स्थान पे आ जाइए और कुछ बनाते आ जाइए। हमने इतने सारे सामान रखे हुए ना तो इस तरह भी थोड़ी सी जगह बची हुई है बैठने के लिए, क्योंकि मेरे बैग एक एक गिर गए रे बाबा। मजा आएगा अभी कुछ बना के खाने में। 5 किलो तो 5 किलो दे। बस आटा दे 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 बस। ओहो सारा सेट भैया का ट्रक में ही है, वहाँ पर ही इतनी में गैस लग जाते हैं। ऐसे आजू बाजू हीट नहीं लगता गाड़ी को? नहीं, बिल्कुल भी हुआ तो भी कुछ नहीं होगा। ये देखिए दाल डाला है ढोकला बाटी के लिए, पहली बार नाम सुनाओ ढोकला। सब अलग अलग हाँ अलग अलग और आगे क्या क्या मिलेगा आगे अलग अलग ही आइटम्स राजस्थानी स्पेशल सभी। ऑल इंडिया ट्रैवल करने का ना ड्राइवर के साथ ऐसे मजाक मस्ती ऐसे करते हुए सारा सब कुछ चल जाता है। देखिए अभी हम बना रहे हैं वो ढोकला रोटी वगैरह एकदम मजेदार खाएंगे बनाएंगे, ऐसा बहुत सारा और एडवेंचर होते रहता है इसलिए कहते हैं ऑल इंडिया ट्रैवल। करो भैया ने बताया करो तो शुरुआत कर दो। ढोकला रोटी ये देखो भाई कितने सारे ढोकले बना लिए हमने, इस तरीके से बनते हैं ढोकले जो भैया बना रहे हैं। मैं भी बनाऊं बहुत ज्यादा बन जाएंगे भैया हमें दोनों के लिए तो। अरे भाई इतना आटा है तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। और अभी फिलहाल मैंने ये धनिया काटा है और वहाँ पर दाल पक रही है, मैं भी सीख जाऊँगा आपकी वीडियो देख के। ऐसे वीडियो भी बना रहे हैं क्या क्या डालना है क्या कैसे बनाना है ढोकला। एक बार घर जब जाएंगे तो घर वालों को भी चखाएंगे एक राजस्थानी ढोकला। ढोकला खाओ भाई, खिलाना भी जरूरी है। सारे मसाले वगैरह डालने के लिए अब इसके अंदर जाएंगे ढोकले। चलिए डालिए भैया ढोकले, देखेंगे ढोकला किस तरीके से लगेगा हमें। ये लो भाई ढोकला हो गया हमारा, टेस्ट करते हैं। तो चलिए तैयार हो चुका है गर्मा गर्म ढोकले, ढाकू नहीं ढोकले। तो पहले छोटे 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 करेंगे जैसे खा सकते हो उतनी बड़ी बड़ी। तो चलिए खाना तो खा लिया, बहुत ज़्यादा ही हो गया यार, पेट तो फटने जैसा हो रहा है। भैया ने तो मुझसे ज़्यादा खाई है ढोकली। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से सीधे अजमेर की तरफ और देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे अभी, और जहाँ पर स्टे करना पड़ेगा देखता हूँ। टकर भी आ रही है यार, दूसरा फूल हो चुका है। देखते हैं अजमेर के पास कहाँ पर स्टे करेंगे हम, और समय ना 11:30 तक हो रही है आज में और हम पहुँचेंगे 12:30-1 बजे तक तो पहुँच जाएंगे अजमेर। चलिए हाँ 12:30 देखिए कितने बजे पहुँचेंगे हम। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन मैनेज करूँगा, थोड़ी सी छोटी लग रही है। फाइनली अजमेर पहुँच जो तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर है। पहले हम जगह ढूंढते हैं कि इस समय कौन जगह देगा, पता ही नहीं चल रहा मुझे भी। रात की 1 बजे यार, रात में सोने के लिए जगह ढूंढने के लिए ना बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप थे उनसे उम्मीद थी, उन्होंने जगह नहीं दे रही है यार रात में, पता नहीं क्यों डर रहे होंगे शायद, ये मुझे भी लगता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक होटल है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम रह सकते हो उनसे पूछ कर, वरना वहाँ पर एक घर दिखाया है लेकिन सुबह 6 बजे तक रह सकते हैं। और अभी रात की 1:30 बजने आ चुके, बस 2-3 घंटा सोने के लिए मिलेगा और जल्दी से उठ के निकलना पड़ेगा, ऐसा रहेगा।
तो सोच रहा हूँ कि वहीं पर सो जाऊँ। चलिए इस बार यहाँ पर एक होटल है और कुछ टॉयलेट वाशरूम वगैरह भी हेल्प हो जाएगा, तो उनसे पूछ कर देखते हैं कि क्या कहते हैं। सच में यहाँ पर एक होटल थी तो होटल की में जुगाड़ बन चुका है। चलिए झूला भी मिल गया और यहाँ पर टेंट लगा लेता हूँ फटाक से में। ये लीजिए झटपट बन के तैयार है और अंदर भी घुस ही जाते हैं भाई, ठंड भी बहुत लग रही है। चल निकल जा सिम। इसी तरीके से आप लोगों को कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जल्दी से कोशिश कीजिएगा ताकि आपको सोने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि रात में ज़्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते। वो भी क्या कि देर जगह देखिए कहाँ का रिस्क, थोड़ा सा अलग सोच रहता है उनका भी, तो इसी के कारण जगह नहीं मिल पाती है। तो आप लोग जल्दी से स्टे करने के लिए जगह ढूंढ लीजिएगा 5 बजे 6 बजे से पहले। मुझे क्या यार मैं कर ही लेता 5-6 किलो यानी कि 5-6 बजे, लेकिन सोचा कि चलिए थोड़ा सा डिस्टेंस कट जाएगा गिर कर, लेकिन यार बहुत बहुत लेट हो गया। भैया के साथ टाइम वगैरह ढोकले सारा का, आज पूरा दिन तो उनके साथ चला गया लेकिन पूरा दिन का खर्चा उन्होंने ही देख लिया मेरा पूरा। और दोपहर में हमने थोड़ा सा ढोकला खाया, ढोकला नहीं खाया हमने, दाल रोटी खाई थी, मज़ेदार था लेकिन वो भी। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंडिंग करता हूँ मैं, ताकि बहुत रात हो चुकी है। तो आप लोग अभी अब शायद अब नहीं बता पाऊँगा, मैं कल बता दूँगा कि आज मैं किस लिए आया था, कल पूरा रिवील भी कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो पता है ना अब तो लाल नहीं है, अब तो काली वाली बटन, तो उसको प्लीज़ यार दबा दो, ऐसा दबाते ही सफ़ेद हो जाती है वो भी, लेकिन लाल वाली दबाते भी सफ़ेद हो जाती है। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट। Things you're holding on to.